शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अरे रुक, जाने दो। देखो कितना खून बह रहा है। तुम ठीक हो ना? तुमने उसमें पैकेज में क्या दिया? क्या है उस पैकेज में? मुझे नहीं पता, पता नहीं कौन था और क्या है इस पैकेट में। देखो पैकेट में क्या है। तुम उसे नहीं जानते तो फिर उसने तुम्हें ये पैसे क्यों दिए? सर, इन सबसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये रही आपकी अमानत, मैं उसे जानता भी नहीं हूं। कीर्ति, तू अपना ख्याल रखना। कीर्ति, तुम्हें बहुत चोट आई, चलो अच्छे से पट्टी करनी पड़ेगी। तुम अंदर चलो, चलो। क्या हो रहा है मेरे साथ? पता नहीं कौन था और पैसे थमाकर चला गया मुझे। क्यों? बैठो इधर, दिखाओ चोट, दिखाओ मुझे। मैं दवाई लेके आता हूं। इतना खतरा मोल लेना जरूरी था क्या? जानती हो कितनी फिक्र होती है मुझे तुम्हारी। अरे भाई, कहां थे आप? यहां क्या कर रहे हो? ये लो, ये आप ही के लिए लाया था मैं। आए दिन इतना खतरा मोल ले लेती हो तू। कीर्ति, अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं जी नहीं पाऊंगा। मैं जी नहीं पाऊंगा कीर्ति। वरुण जी, हम आपका डर समझते हैं, पर हमारा काम ही ऐसा है कि जहां दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान। कीर्ति, नहीं, तुम्हारी जान मेरी जान है कीर्ति। चाहे हम रोज बहस करें एक दूसरे से, लेकिन सच यही है कि तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। क्या हुआ? तुम कुछ परेशान लग रही हो, कोई बात है क्या? वरुण जी, वो हमें समझ नहीं आ रहा, उस चोर ने अभय को पैसे क्यों दिए? अभय को कैसे जानता है वो? पता नहीं कीर्ति, मैंने भी कभी उस आदमी को अभय के साथ देखा नहीं। खैर, अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अभय को लगने लगा है कि उसे डॉक्टर रोशनी से प्यार हो गया। इससे पहले कि वो रोशनी के प्यार में पूरी तरह से पागल हो जाए, श्रद्धा को कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। क्या करूं? ये तस्वीरें हमेशा देखती रहती हूं। ये ना, ये 2 साल पहले की है। भाई के एक्सीडेंट से पहले की। मेरी खुशी, मेरी जिंदगी, उस एक्सीडेंट ने एक झटके में सब कुछ बदल के रख दिया। उस एक्सीडेंट के बाद
अभय अपनी जिंदगी में इतना पीछे चले गए कि इतना कि उन्हें उन्हें अपनी बीवी, अपने बच्चे कुछ याद नहीं। मगर मैं आज भी यही हूं कि अभय का इंतजार करते हुए। आओ ना, इधर बैठो। जानती है डॉक्टर रोशनी, एक वक्त था जब अभय ना मुझ पर बिल्कुल आंख बंद करके भरोसा करते थे। अगर आप लेकिन मुझे एक बात की बहुत खुशी है कि वो कम से कम तुम पर तो भरोसा करते हैं ना, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम हमारे परिवार को फिर से एक होने में मेरी मदद जरूर करोगी। करोगे ना मेरी मदद? बहुत अच्छी लग रही है। रोशनी, मैं जो तुम्हें बोल रहा हूँ पूरे दिल से बोल रहा हूँ। रोशनी कुछ बोलो तो। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। क्या सोच रही हो तुम? कुछ नहीं श्रद्धा, तुम खामखा परेशान हो रही हो। कुछ नहीं ऐसा। तुम मुझे यहाँ अभय का इलाज करने लेके आई हो ना, तो मैं अपना काम पूरा जरूर करूंगी। कोशिश करूंगी कि अभय के दिल में तुम्हारी जगह वापस बना सकूं। तुमने मुझे इतना कह दिया है ना, बस यही काफी है। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।